इंद्र भाई की सभी को राम राम। तो क्या हाल चाल है? आज हमारे पास एक ऐसा TWS आ रखा है। नहीं नहीं नहीं, TWS नहीं, ये है OWS, ओपन वायरलेस स्टीरियो। तो ये जो है फ्रीडम करके ट्रुक ने एक डिवाइस लॉन्च कर दिया, काफी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली हम लोग ईयरबड्स यूज करते आ रहे हैं, कान में बहुत इरिटेट करते हैं, आसपास की सराउंडिंग से भी आप अवेयर नहीं रहते। तो ओपन वायरलेस स्टूडियो का जो कंसेप्ट है वो काफी ट्रेंड में आ गया है और ट्रुक का ये डिवाइस काफी इंप्रेस करेगा आपको। तो करते हैं इसके बारे में बातचीत। डब्बे की पैकेजिंग जो है बड़ी शानदार कर रखी इन्होंने। तो पेंडेंट पैकेज के तौर पर सबसे पहले आपको आपकी केस मिल जाती है, उसके साथ ही मिल जाती है एक चार्जिंग केबल टाइप सी वाली, साथ में दे रखी आपको एक मैनुअल और एक साल का वारंटी कार्ड। बाकी बात करते हैं सीधे डिवाइस को लेकर। तो डिवाइस का जो डिजाइन है और जो कलर मेरे पास आ रखा है ये है मिंट ग्रीन। इसमें दो कलर ऑप्शन और अवेलेबल कर रखे हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो आपको जो खरीदना है वो तो आप खरीद सकते हैं, बट याले कलर की अगर बात करूं तो बढ़िया फिनिश दे रखा है, ग्लॉसी टेक्सचर आपको देखने को मिलता है, ट्रुक की ब्रांडिंग कर रखी है। पीछे जो है आपको यहाँ पे मैट फिनिश दे रखा है, फ्रंट पे ग्लॉसी है, बीच में आपको एक मस्त लाइन दे रखी है टू सेपरेट द कलर। वहीं बैक साइड पे आपको टाइप सी का पोर्ट और एक लाइट इंडिकेटर जो है मिल जाता है। अच्छा, केस का साइज डेफिनेटली थोड़ा बड़ा आएगा, बट लाइट वेट है, कैरी करना ईजी बनेगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। वो स्लिम भी है तो पॉकेट में अगर आप रखे इसको कैरी करना चाह रहे हैं, लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी ईजी आपके लिए बन जाता है। बट जो ईयरबड का डिजाइन है ना भाई, ये काफी इंप्रेसिव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको जो ग्लॉसी प्लस ये जो इयरिंग वाला जो सेक्शन दे रखा है ना, मतलब कान के पीछे साथ जाता है और आपके कंफर्टेबल फिटिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा, इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं, सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, मूवमेंट ज़्यादा है, तो ये कंफर्टेबली आपके कान में फिट रहते हैं, निकलते नहीं है। तो यूजुअली ईयरबड्स का क्या होता है, वो कान में से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये दिक्कत आपको इस करना है। प्लस जो घूमने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे ईयरबड्स जो है गाड़ी पर ड्राइव करते गायब हो जाते हैं, एक ही रह जाता है, तो वो दिक्कत आपको इसके साथ नहीं आएगी। तो यहाँ पर डिजाइन देखेंगे आप, तो यहाँ पे ग्लॉसी का टेक्सचर दे रखा है, आपको एक हल्का सा बटन वाला पार्ट दे रखा है, यानी कि टच वाला पार्ट दे रखा है, साथ में आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, और इवन आपको यहाँ पर एक लाइट इंडिकेशन भी दे रखा है। और अंदर की तरफ आप देखेंगे आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंटर्स और स्पीकर प्रोवाइड कर रखा है, एंड दिस इज द स्पीकर जो आपके कान में साउंड जनरेट करता है बेसिकली। तो जो है डिजाइन काफी इंप्रेसिव है और लाइट वेट भी है, कंफर्टेबल रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख सकते हैं। बट बात करूंगा मैं यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स को लेकर कि क्या क्या आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है अंदर। तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 के साथ पैकडअप कर रखे हैं, तो कनेक्टिविटी तो काफी सीमलेस होने वाली है। एक बार हमने फोन से कनेक्ट कर लिया तो मतलब आप इसको बिंदास यूज करो, बेफिक्र होकर यूज करो, आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, 10 मीटर रेंज कंपनी क्लेम करती है, ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। वहीं आपको यहाँ पे 500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इसके केस में, और 50 mAh की बैटरी आपको जाती है ईयरबड्स में। और अच्छी बात यह है कि बैटरी परफॉर्मेंस में जब बात आती है तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, 8 से 10 घंटे का परफॉर्मेंस एक सिंगल चार्ज में दे देते हैं। और वहीं अगर आप इसको केस के साथ में यूज कर रहे हैं तो 60 आवर्स ऑफ प्लेबैक आप इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। बट यहां पर एक चीज जो काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है वो है वाटर रेटिंग। तो ये डिवाइस आता है IPX5 रेटिंग के साथ में, तो अगर आप जिम कर रहे हैं या फिर आप हल्के फुल्का बारिश में भी पहन रखा है आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं होंगे, स्प्लैश रेजिस्टेंट आपको मिल जाते हैं। पर अब आ जाते हैं इसके मेन चीज को लेकर, यानी कि साउंड क्वालिटी को लेकर, कंफर्ट को लेकर, कि क्या ये ईयरबड्स को सच में रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब साउंड क्वालिटी टर्म्स में बात करूं तो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी बेहतर लगी है। और एक दो चीज मैंने नोटिस करी कि जो मैंने इतने सारे OWS दूसरे ब्रांड्स के ट्राई कर रखे ना, उनके मुकाबले इसकी साउंड क्वालिटी लाउड है और क्लियर है, वो कहीं ना कहीं मैं मिस आउट कर रहा था, और यहाँ डेफिनेटली वो चीज पिकअप करती है और आपको वो इंप्रेस करेगी। अब यूजुअली जो है डिवाइसेस में 13 mm या 12 mm के ड्राइवर्स का यूज करते हैं, बट यहाँ पर 16 mm के आपका ड्राइवर्स यूज कर रखे जो आपको रिच साउंड क्वालिटी प्रोवाइड देते हैं, और ट्रेबल्स में नो डाउट आपको ये काफी इंप्रेस करेंगे। हाई लोज मिड्स, मूवीज देख रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो, आपको किसी भी चीज में कमी नहीं लगी। और एक अच्छी बात ये भी लगी मुझे कि यहाँ पे कान में चुभते नहीं है, तो क्या होता है यूजुअली कान में इरिटेट करते हैं या फिर आपको क्रैकल वाला साउंड सुनाई देता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है, क्लैरिटी काफी अच्छी मेंटेन करके रखी यहाँ पे साउंड। अब इस तरह के डिवाइस में हमारे लिए कॉल क्वालिटी भी एक बहुत मैटर वाला पार्ट हो जाता है। कॉल क्वालिटी को लेकर बात करूं तो यहाँ पे आपको प्योर वॉइस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यानी कि ये क्या करता है, आसपास के सराउंडिंग की जो नॉइज है उसको कैंसिल करता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक्रोफोन्स प्रोवाइड कर रखे जो सराउंडिंग की नॉइज कैंसिल करता है, ताकि सामने वाला जब आपसे बात कर रहा होगा तो उसको आपकी आवाज एकदम क्लियर सुनाई देती है। और ये टेस्ट मैंने करके देखा, आप भी देखो किस तरह से आवाज आती है। तो वैसे भी जब आवाज सुन रहे हैं वो इन ईयरबड्स के आए और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं जब आप उनको कॉलिंग पे या फिर गेमिंग के टाइम पे यूज करेंगे। अब ये डिवाइस गेमिंग में भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि यहाँ पर आपको 40 mAh की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। बस गेमिंग बोर्ड आपको ऑन करना है और गेमिंग के टाइम पे आप उसको पहन के यूज कर रहे हैं, तो स्टीरियो इफेक्ट्स वगैरह जो चाहिए, प्लस जो एनिमी के आपको वॉक अराउंड्स होते हैं वो प्रॉपर सुनाई देते, तो यार गेमिंग के लिए भी काफी परफेक्ट बना रखा है इसको। पर आजा तो मैं एक खास चीज को लेकर, जिसको लेकर काफी लोग कंसर्न करते हैं, यानी कि टच रिस्पॉन्स कैसा होने वाला। टच रिस्पॉन्स काफी सीमलेस है, काफी अच्छा है, और इवन इसमें आपको जो है अपने गूगल
असिस्टेंट वगैरह सीरी को वेक करने का ऑप्शन भी दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप इसके जो लेफ्ट वाले ईयरबड्स हैं इन पर अगर 3 बार टैप करेंगे तो आपका कोई भी असिस्टेंट जो यहाँ पर वेक हो जाता है और आप ईयरबड्स को डायरेक्ट कमांड वगैरह दे सकते हैं। बट इस डिवाइस को दो चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि यहाँ पर आपको रैपिड पावर चार्जिंग देखने को मिलती है। तो अगर आपने 10-15 मिनट की लगा इसको चार्जिंग पर लगाया है तो आप 4 घंटे तक इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर आपको 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो देखने को मिलता है। तो अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये आपको खरीदना पड़ेगा। और खरीदने की डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो इसके जो लॉन्च प्राइस है वो है 1,999, बट अगर आप इसको प्री बुक कर लेते हैं यानी कि 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में अगर आप इसको प्री बुक करते हैं तो ये आपको 1,799 की प्राइसिंग पे मिलेगा और 1 जुलाई से ये ऑफिशियली लाइव हो जाएगा और ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होने वाला है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और ये डिवाइस अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, लगता है कि दोस्तों को शेयर करना चाहिए, उनके काम आ सकता है, ये वीडियो जरूर से शेयर करना और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई को फॉलो करके फटाफट से वीडियो पर लाइक ठोक दो। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।